मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम विश्वानिदेव सवितरि दुरितानि परासुर युधभद्रं तन्नयासुभो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। की कृपा से शस्य श्यामला महाकौशल की धर्मधरा छपारा के मधुबन सारस्वत परिसर में कल्याणी वैण गंगा के तट पर संस्कारवान आदरणीय ठाकुर हरभजन सिंह जी और उनके परिजन परिजनों के सत्संकल्प से आहूत मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भवतारिणी ब्रह्म भयहारिणी श्री राम कथा के इस पावन अमीय प्रवाह में अपने अंतःकरण को ब्रह्म रस से रससिक्त करने आए आदरणीय यतिवृंद आचार्य मंडली और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपका विश्वास, आपकी पारमार्थिक प्रवृत्ति और दैवी संपदा जिसके वशीभूत आप यहाँ संयत शांत और मुमुक्षु भाव से श्रवण निष्ठा के साथ बैठे हैं। आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके कारण आपके चित्त में वृत्तियां अब स्थिर हैं, मन में एकाग्रता है और ईश्वरीय अनुरक्ति का दैवीय भाव है, ऐसी उस आध्यात्मिकता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए सीमित से साधनों में असीम को पाना और संपूर्ण हो जाना मनुष्य की नियति है। जो भोग भाग्य जाति आयु प्रारब्ध देह परिवेश वातावरण और जो भी सामग्री उपलब्ध है
उसे जीवन सार्थक हो, जीवन फलीभूत हो, जीवन की सिद्धि हो, जीवन के स्वरूप की उपलब्धि हो, इस दिशा में जो कुछ भी हमारे यत्न प्रयत्न हैं वे पुरुषार्थ कहलाते हैं। इसलिए उपदेश है कि मनुष्य पुरुषार्थी रहे, उस पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और उसका फलादेश मोक्ष, मुक्ति। पुरुषार्थ का फलादेश है निर्वाण, कैवल्य, एक निर्विकल्प अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां आनंद है, निरापद अवस्था। एक ऐसी अवस्था जो अभाव रहित है। यौवय भूमा तत्सुखम, जहां अल्पता न हो। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थी रहे, वह धर्म से च्युत न हो। धर्म बड़ा साधन है, धर्म से सिद्धि होगी, धर्म से नियंत्रित अर्थ से कभी अनर्थ नहीं होता। और यह बड़ा कहना कठिन है कि बहुत अर्थ आ जाने से ही सिद्धि होगी। कई बार अर्थ अनर्थ भी करता है। पर धर्म जागृत है, धर्म चैतन्य है, धर्मारूढ़ धर्मानुरागी हैं आप, धर्म साधन से विरत नहीं होती चेतना, तब धर्म के आश्रय में, धर्म के अंकुश में, धर्म के नियंत्रण में जब भी अर्थ आएगा तब वह अर्थ आपके काम को सीमित कर देगा। वो काम भोगेक्षा नहीं रह जाएगी, एक अनियंत्रित कामना वासना स्पृहाएं अंतहीन लालसाएं सिमट जाएंगी। जो सुख वांछाएं हैं, स्पृहाएं हैं, ऐषणाएं हैं, जागतिक ऐषणा, तृष्णा, तो जो तृष्णा है, ऐषणा है, आसक्ति है, भोगवांछाएं, सुख पाने की निरंतर अभिप्साएं हैं, वे नियंत्रित होंगी, सीमित होंगी, उन्हें ठीक दिशा मिलेगी। इसे धर्म मूल है और उससे नियंत्रित, उसके अंकुश में, उसके अधीन या उसके आशय और आश्रय में जब धन आएगा, संपदा आएगी, पदस्थापना होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, अति प्रचार होगा, अनुयायियों का मंडल होगा, आपकी विचारधारा के समर्थक आप में प्रतिबद्धता और संबद्धता और एक स्वाभाविक समर्पण की भावना रखने वालों का जब विस्तार होगा तब अहमन्यता नहीं आएगी, अभिमान नहीं आएगा। वो एक साधन है, धर्म मूल है। और हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है,
जैसे हर वस्तु एक स्वभाव रखती है और वो कदाचित उसका धर्म भी होता है, वैसे ही जैसे जैसे जल की आर्द्रता ही उसका स्वभाव है और धर्म भी, जैसे अग्नि की दाहकता ही उसका स्वभाव है और धर्म भी। जो अग्नि में दाहकता है, तेज है, उष्णता है, अग्नि की उष्णता दाहकता वो उसका स्वभाव और धर्म दोनों है। जल की आर्द्रता, दिशाओं का विस्तार, भूमि में गंध, गगन में अनंतता, अंतहीनता, वैसे ही मनुष्य भी अपना एक स्वभाव है, मनुष्य का अपना स्वभाव है। और जिस दिन मनुष्य अपने स्वभाव में लौटता है तब वो धर्म में लौटता है, अपने होने के धर्म में। धर्म बड़ा साधन है। फिर धर्म से धन या अर्थ, अर्थ से फिर काम सीमित हो जाना और भोग का योग बन जाना। अरे भाई, कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे, कर्म करे निष्कर्म रहे जो ऐसी युक्ति बतावे, प्राण पूजी क्रिया से न्यारा भोग में जोग जगावे। रे भाई, कोई सदगुरु संत कहावे। योग, एक योग आ जाएगा आपके पास, संयम, सदाचार, नैतिकता, एक बड़ा बल है, आत्मबल, अपना बल, एक अंदर ही अंदर का अपना रस, एक मीठा मीठा आनंद, अपने होने का एक गौरव, अपने होने का अपना एक आनंद, वो सहज योग से, जप योग से, लय योग से, नांद योग से, कर्म योग से, एक योग नहीं, हजार योग। भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता। गीता में तो विषाद से योग आरंभ हुआ है, जो कल्पना कर सकता है कि डिप्रेशन से योग, अवसाद, चुप्पी, पलायन। गीता का जो पहला अध्याय है वो तो अवसाद का है, विषाद का है। विषाद से फिर योग है, वो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, संन्यास योग, अनेक योग। तो कभी संस्कार के भेद से वस्तु बदल जाती है, पर उसमें सही संस्कार आ जाए, स्वभावगत, तो वस्तु के मायने कुछ और होते हैं। यंत्र के संस्कार के कारण कभी जल उबल रहा होता है, वाष्प बन रहा होता है, और जल कभी यंत्र के संस्कार के कारण बर्फ बन रहा होता है, फ्रीज हो रहा होता है। डीप फ्रीजर में कुछ देर के बाद देखें तो जल नहीं रहता, पता लगा वहां तो क्रिस्टल बना बैठा है, ठोस बना बैठा है, बर्फ है वहां तो। और हमें पता है कि वो जो एक यांत्रिकीय संस्कार का भेद है, यहां जल की आकृति बदल जाएगी, अब जल यहां पूरा बदला मिलेगा। डीप फ्रीज, वो फ्रीजर में रखा हुआ है, फ्रीज में, तो उसको फ्रीज कर रहा है वो, बहुत मोटे मोटे वो बर्फ के टुकड़े बन गए जल के संस्कार, यंत्र के संस्कार के भेद के कारण। और दूसरी ओर उबल रहा है, दूसरे यंत्र में उबल रहा है। तो संस्कार के, यंत्र के संस्कार के भेद के कारण कई चीजें ऐसी हो जाती हैं। एक ठीक संस्कार हमारे भीतर पड़ सके, जो हम उस तक पहुंच सके, वो मर्म इस कथा का है। इस कथा का फलादेश बड़ा अद्भुत है। महापुरुषों का तो ऐसा कहना है,
कि जो जिस भूमिका का प्राणी है उस भूमिका में पुष्टि मिलती है कथा से। अब निष्काम कर्मयोग के अभ्यासी हैं तो कर्मयोग सिद्ध होगा, आप उपासक भक्त हैं तो आपकी भक्ति सिद्ध होगी, आप निपट वेदांती हैं या ज्ञान मार्गी हैं तो प्रारब्ध को भोगने की कला आ जाएगी और सब कुछ मिथ्या है ऐसा अनुभव होने लगेगा। प्रकारांतर से निरंतर जो जैसा साधक है इसी से पात्रता का विकास होता है, अधिकार अधिकारी बनता जाता है। सुन सुनकर कथा सुनकर व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, उसमें योग्यता पात्रता बनती जाती है। इसलिए मुझसे कोई बहुत निपट एकांत में पूछे कि कथा का सीधा सीधा फल क्या हो सकता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कथा हमें पात्रता का विकास करती है, हमें पात्र बनाती है कि हम उसे पा सके, जो प्राप्तव्य है, जो है उसे जान सके, उसे अनुभूत कर सके, जो प्राप्तव्य है, जो ध्यातव्य है, जो ध्येय है, पथ है, पाथेय है, उसे समझ सके। इसे दृष्टा दर्शन दृश्य में, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में, ध्याता ध्यान ध्येय में जो अभेद सिद्धि कर दे वो ये कथा है, जो चोरी चोरी शिव के द्वारा भी सुनी गई है कि वो अपनी अर्धांगिनी से ये बात कहें कि कभी मुझे वेश बदल कर जाना होता है तो उस समय जब मुझे कथा सुननी होती है मुनि मंडली में, ऋषियों के समूह में, जागृत सत्पुरुषों के निकट, काकभुसुंड के पास, कभी कथा में मेरा जाना होता है जो पूरी व्यथा का शमन कर दे। एक जीवित सी समाधि, एक जीवंत समाधि कथा में आती है, जीवंत समाधि, आधि व्याधि उपाधि का शमन। आधि करते अभाव के दुख, आधि करते अभाव के अज्ञान से जो हमने दुख बनाए हैं, जो हमने पैदा किए हैं, जो स्वनिर्मित हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड हैं, वो खुद ने बनाए हमने, चलो कुछ थोड़े दुख बना लो, थोड़े से अभी अभाव है, कमी है, इतनी कमी है, तो कमी में जो पैदा होते हैं, ज्ञान की कमी में, विचार की कमी में, अभ्यास की कमी से हमें कोई एक अपनी जब कमी, कोई विचार की, ज्ञान की, वैराग्य की जब कमी आती है तो एक दुख अपने आप, एक रोग अपने आप पैदा होता है हमें, वो आधि, एक व्याधि, वो नाना प्रकार की है उनकी क्या चर्चा करें, एक उपाधि जो दूसरे देते रहते हैं हमें, या वो देह एक उपाधि है, एक उपाधि देह भी है जो हमारी हमने मान ली है और वो कुछ बदलती रहती है, उपाधि देह एक उपाधि और बहुत सी व्याधियां, पर एक आधि अभाव के दुख, अज्ञान से पैदा हुए दुख, और एक शब्द है समाधि। तो आधि व्याधि उपाधि में जो सम ताले आए समाधि, हम जान सकें कि ये आधि है, व्याधि है, उपाधि है, ये अज्ञान जन्य दुख है, ये विचार के अभाव में पैदा हुआ है, ये विवेक के खो जाने के कारण है, ये जो आसपास दुख है, जो आसपास व्यथाएं हैं, जो नाना प्रकार की चुभन जैसी है, ये सब इसलिए है कि विवेक नहीं। एक बार प्रकाश को आने दो, फिर अंधेरा कहां रहता है, फिर तारे कहां रहते हैं। एक बार प्रकाश के आ जाने से, प्रकाश जीवन है, प्रकाश में जीवन है, अंधेरा जीवन नहीं है। अंधेरे में तो स्वप्न संसार है, आंख मुदने लगती हैं, अब बटे हुए आने लगते हैं, और वो पंछी परिंदे घोंसले में, नीड और कुंज में, गौवरों में, बिल बाबियों में छुपने लगते हैं, अब अंधेरा है। और जैसे प्रकाश की आहट आती है, फिर पूरी जगती में उस प्रत्युषा का सम्मान और निगल पड़ते हैं, फिर पंछी परिंदे आंख खुलने लगती है, प्रकाश का आदर,
तो विवेक एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सत्य को उपलब्ध होते हैं, जड़ चैतन्यता का भेद मिलता है, नित्यता अनित्यता का, और वो कहीं और से नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई और स्कूल नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, यही है, दैट इज द ओनली वे, ये बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, इसे विवेक यहां मिलेगा, और जब विवेक मिला तो आप में एक स्फूर्ति आएगी, चैतन्यता आएगी, माने हुए पाले हुए भ्रम भ्रम मिट जाएंगे, पूर्वाग्रह शिथिल होने लगते हैं, मूढ़ मान्यताएं खोने लगती हैं, चांचल्य अपने आप भागने लगता है, जड़ता निपटने लगती है। यहां का शब्द है, यहां का निपटना, वो अपने आप निवृत्त होती रहती है। जड़ता, बड़ी जड़ता, बड़ा प्रमाद, बड़ा आलस्य, एक मूढ़ता, एक मान्यताएं, पक्की मान्यताएं, वो जो भ्रम है वो सब टूटते हैं। इसे विवेक के आने पर एक बड़ी गति प्राप्त होती है, और एक यहां तक कहते हैं महापुरुष तो कि साधना में गति तब आएगी, फिर साधन होने लगेगा, विवेक के आने पर फिर साधन होने लगेगा, जीवन साधन बन जाएगा, फिर जीवन साधन मान लेंगे आप कि ये साधन है, और फिर इसकी सिद्धि। ऐसी कथा में हम जो ईश्वरानुगति देने वाली है, विवेक का वैराग्य का पोषण करने वाली है, उच्च आदर्शों के अनुसरण के लिए हम में एक उत्साह पैदा करने वाली है, ऐसी ये कथा प्रसंग के भीतर चलें तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उस प्रसंग में हम चलें और उसकी परत उतार कर देखें तो वो अद्भुत है कि अब देवसत्ता सुखी है और नर समूह में दुख है, अयोध्या अनाथ सी है, उजड़ी सी है, एक स्तब्धता है। अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं लोग, हर जगह रहते हैं वो, हर समाज में रहते हैं। अयोध्या का एक दृश्य देखिए कि अब राम बन जाने को हैं, और अभी राम महलों में हैं, अभी राम बाहर नहीं निकले कि वहां चर्चाएं, विस्परिंग, एक अलग तरीके की चर्चाएं हैं, और उनको कैसे विराम दिया जा सके, उनका कैसे प्रतिरोध किया जा सके, अफवाहों को कैसे मिटाया जा सके, उसके सूत्र भी रामायण में हैं। कुछ सिर फिरे ये कहते हैं, एक भरत कर सम्मत कहें, एक उदास भाई सुन रहे, कान मूंद कर रद गई जीहा, एक कहें ये बात अलीहा, मंदमति दुर्बल चित्त के प्राणी, स्वतंत्र चेतना जिनके पास नहीं होती, जो विवेक के अभाव में जीते हैं, वो ऐसे ही कोई एक उपज हो गई अनायास, न जाने कहां से वो खरपतवार निकल कर आई। एक भरत कर सम्मत कहें, एक कुछ समूह निकल कर आया, चौराहे पर चर्चा करने लगा कि ये सब भरत के कारण है, अब जो राम वन गमन होना है ये भरत के कारण है। एक समूह ऐसा कि बिना तिल के ताड़ बनाते हैं कुछ लोग, उसको ताड़ तक ले जाते हैं, वो बड़ा लंबा कर देंगे, उसका विस्तार कर देंगे, एक भ्रम का, एक झूठ का, एक बड़ा पुलंदा बांध देंगे वो लोग। एक भरत कर सम्मत कहें, एक दूसरा प्रकार का वर्ग जो आसपास खड़ा था, एक उदास भाई सुन रहे हैं, एक सुनने वाले लोग हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा विरोध कर सकते थे, वो ये कहते हैं कान मूंद कर रद गई जीहा, कुछ लोग कान बंद कर लेते हैं, दांतों में जिभ्या को दबा लेते हैं, और कुछ लोग साहस पूर्वक निकले, उन्होंने कहा ना 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 ये झूठ है,
ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता, कभी सत्य नहीं हो सकता कि राम के वनवास में कहीं भरत की कोई सम्मति हो। ऐसे में फिर अच्छे लोग चाहिए जो उसका दमन कर सकें, उसका ठीक प्रतिरोध कर सकें और उस अज्ञान का शमन कर सकें। तो फिर निकल पड़े साधु महात्मा, ज्ञानी विचारक गुणी धर्मात्मा, अच्छे अच्छे प्राणी, और निकल पड़े पूरी अयोध्या में और वो कहने लगे, चंदु चबय बरु अनलकन सुदा होए विष्टु। सपने कबू न करें कछ, स्वप्न में भी राम के प्रतिकूल भरत नहीं हो सकता। हो सकता है कि चंद्रमा आग बरसाने लगे, अंगारे बरसने लगे, चंद्रमा स्वभाव के प्रतिकूल होकर आग बरसाए, हो सकता है कि अमृत स्वर्ग की स्वधा विष बन जाए, पर स्वप्न में भी भरत प्रतिकूल नहीं हो सकते राम के। तो वो शांत हो गए, फिर पूरी अयोध्या शांत हो गई। ये प्रवृत्ति है, बड़ी प्रवृत्ति, कि किस प्रकार से कोई एक अफवाह बनाई जाए। सब बेकार है, सब बेकार है, अब अच्छा नहीं रहा कुछ भी। एक निराशा कैसे पैदा की जाए, हताशा कैसे पैदा की जाए, अपने गौरव की विस्मृति कैसे की जाए, अपने को हे और निंदनीय कैसे बनाया जाए, अपने में एक छोटापन कैसे पैदा किया जाए, अपने स्वरूप गुण धर्मिता और तेजस्वता को बिसार कर अपने भीतर की उच्चता को खोकर एक बौनापन कैसे अपने भीतर धारण किया जा सके। निंदा का युग है, हर चीज बेकार हो गई है, एक नैराश्य पैदा करने का युग है, अब अच्छा नहीं रहा कुछ। खेत खलिहान सब ऐसे ही है, ठीक नहीं है, अड़ोस पड़ोस सब बेकार है, युग बेकार है, और वो जो हाउस में लोग बैठे हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, चिकित्सक ठीक नहीं है, शिक्षक ठीक नहीं है, सब बेकार है महाराज, अब कुछ ठीक तो रहा नहीं। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कौन ठीक है, तो कहते हैं बस हम ही ठीक है और कोई ठीक नहीं है। अच्छा, केवल आप ठीक रह गए, इतने बेकार लोगों में आप ठीक कैसे रह सकते, ये इतनी निंदा क्यों अपने युग की, अपने युग की निंदा कर रहे हैं, अपने युग की जिसमें हम पैदा हुए हैं, कुछ गौरव नहीं है हमारे पास, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है हमें जिससे हमें गौरव हो, महानता उच्चता का बोध हो, कुछ साधन ऐसा नहीं रहा, धरा पूरी वंद्या हो गई, प्रकृति में कोई तेज नहीं रहा है। तो एक जो निंदा है वो अच्छा गुण नहीं है। ये कब आता है, जब अपने प्रति अश्रद्धा पैदा हो। जो अश्रद्धा है वो अकर्मण्यता को लाती है, ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसमें मुझे आपका ध्यान चाहिए। अश्रद्धा अकर्मण्यता को लाती है और अकर्मण्यता पलायन पैदा करता है। सत्कर्मों से आप दूर भागते हैं, अकर्मण्यता और पलायन की प्रवृत्ति, फिर कुछ अच्छा तो करना नहीं है, बोलने में क्या जाता है, फिर कुछ बोलते हैं लोग, क्योंकि उसमें श्रम नहीं करना है ना, बस बखान करना है, विश्लेषण करना है, मीमांसा करनी है। इसे निंदा का युग है, एक ये निराश पैदा कर देने वाले कि फिर वो समाचार ऐसे ही आए, फिर कुछ और है नहीं, फिर वो सनसनी है कि हादसा है, कि सब बेकार हो गया है और अब बस घबराहट है, और लो अब जाग जाइए, अब सब तबाह हो जाएगा। ये क्या है, कुछ ऐसे समाचार अयोध्या में, अद्भुत प्रयोग वहां के ऋषियों ने किया कि ये निराशा ठीक नहीं है, हताशा ठीक नहीं है, ये बड़ी बात है, इसे समझें। तो भरत के लिए एक वातावरण बन गया, कहां भरत के लिए एक अलग एक सस्ता वातावरण, पूरी अयोध्या में भरत के लिए भी उतना ही सम्मान उसी समय, कि वो निरीह है, अबोध है, अल्पज्ञ है, अजान है, स्वप्न तक उसको चर्चा नहीं है इसके। तो ठगी सी है जरूर अयोध्या, वो बिलखती है, रोते हैं वो प्राणी, सब कपाट खुलने की प्रतीक्षा में है। जनक के द्वार पर भारी भीड़ है, ऋषि मुनियों की,
झुंड के झुंड विचारकों के, मनीषियों के, अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, छत्रप, अतिरथी, अब वो सब और निरीह से हैं कि राजा कौन है, अब कौन है शासक, किसके अधीन हम रहें, कौन आदेश दे हमें, किसके अनुदेश में हम रहें, किसके अंकुश में रहें, आज्ञा अब कौन देगा।